स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी में क्लास 12th में जो रिमेनिंग पोर्शन है इस साल 2020-21 में जो बाकी, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है जुगल सिंह, मेरा ईमेल आईडी है jugalsinghsir@gmail.com, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9969172486, जिस पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या अपने कमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है जुगल सिंह केवी, जहाँ पे ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। किसी और भी सोर्स में अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को। सबसे पहले तो ये मैप लिस्ट है जो CBSE ने इस साल जारी की है, तो इसमें से मैंने जो कुछ पार्ट है अप टू दी कॉफ़ी, यानी जो यूनिट 3 में लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स है, वहाँ तक हमने फर्स्ट PPT में कंप्लीट कर ली। अब इस PPT में हम माइंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन ओर एंड मैगनीज ओर माइंस में। यहाँ पे मैंने जो डार्क कलर ब्लैक कलर से जो मार्क की हैं, 4 माइंस की हैं, जिसमें एक माइन यहाँ पे मयूरभंज की जो माइन है, मयूरभंज हम उड़ीसा के अपर पार्ट्स में इसको मार्क कर रहे हैं। देखिए, यहाँ मयूरभंज लिखा है, आपकी बुक्स में भी लिखा होगा। तो ये जो साइट है, ये मयूरभंज एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। सेकेंड, हम यहाँ पे देखिए बैलाडिला, बैलाडिला बैल के हम्प, यानी जो बैल होता है उसका कमर पे जो हम्प होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये साइट है। थोड़ा सा ध्यान से आप इसको मार्क करेंगे, बैलाडिला छत्तीसगढ़ के लोअर पार्ट्स में बैलाडिला माइन है। उसके बाद बेलारी जो साइट है वो कर्नाटका के अंदर है, बेलारी साइट कर्नाटका, मिडिल कर्नाटका में ये साइट है बेलारी, ये भी एक आयरन ओर माइन है। और महाराष्ट्र में रत्नागिरी जो है, एक इन्फीरियर आयरन की जो है साइट है। इसके अलावा मैंगनीज, मैंगनीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो मैंगनीज जो है उसके इम्पोर्टेंट साइट्स यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट माइंस, बहुत इम्पोर्टेंट माइन है ये। और उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा आप शिमोगा, ये कर्नाटका के अंदर माइन है, शिमोगा इम्पोर्टेंट माइन है। उसके अलावा कॉपर एंड बॉक्साइट माइंस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले कॉपर की बात करूं, जो हमें जो मैप लिस्ट दी उसके हिसाब से झारखंड के अंदर हजारीबाग, हजारीबाग एक इम्पॉर्टेंट साइट है कॉपर के लिए। उसके अलावा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट या सिंहभूम माइंस जो हैं, ये भी झारखंड के अंदर, लोअर झारखंड के अंदर ये माइन है। उसके अलावा खेतड़ी माइंस, ये राजस्थान के अंदर, अपर राजस्थान में झुंझुनू के अंदर जो है ये माइन है। उसके अलावा बॉक्साइट, बॉक्साइट जो एल्युमिनियम देने वाली माइंस होती हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो है वो है कोरापुट, यहाँ पे बिलासपुर, और उसके अलावा कटनी। ये 3 इम्पॉर्टेंट माइंस हमारे यहाँ पे बुक में जो हमें मार्क कर रखी हैं, तो कोरापुट, बिलासपुर एंड कटनी माइंस। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कोल माइंस की। जो मेजर कोल माइंस हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें एक कोल माइन है बोकारो एंड झरिया, ये दोनों ही कोल माइंस झारखंड में सिचुएटेड हैं। बोकारो थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में और झरिया थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में है झारखंड। देन उसके बाद बात आती है रानीगंज की। रानीगंज वेस्ट बंगाल के अंदर, जस्ट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ झरिया, वेस्ट बंगाल शुरू होते ही रानीगंज साइट आती है। तीनों ही कोल माइंस जो हैं ये छोटा नागपुर प्लेटू की कोल माइंस हैं। उसके अलावा साउदर्न रीजन में हम चलते हैं तो नियावेली, तमिलनाडु के अंदर नियावेली कोल माइन है, ये लिग्नाइट की एक इम्पॉर्टेंट कोल माइन है साउथ इंडिया में। थैंक यू। उसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज जो हमें लिस्ट दी, उसमें 3 ऑयल रिफाइनरीज का नाम दिया गया। एक ऑयल रिफाइनरी जो है ये जामनगर के अंदर है, ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में से एक है, तो जामनगर ऑयल रिफाइनरी गुजरात के अंदर। मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है ये यूपी के अंदर है, और ये एकदम बॉर्डरिंग एरियाज पे है, यहाँ राजस्थान को भी सर्व हो सकता है, दिल्ली एंड आसपास के इलाके और यूपी एमपी के आसपास, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है मथुरा ऑयल रिफाइनरी। इसके अलावा बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जितना भी ऑयल प्रोड्यूस होता था उसके लिए पहले यही एक बहुत इंपॉर्टेंट
रिफाइनरी हुआ करती थी। तो तीन इम्पोर्टेंट रिफाइनरीज हो गई, जामनगर, मथुरा एंड बरौनी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे आप जाएं और इसी तरह से वीडियोस ऑफ मैप पॉइंटिंग, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और कई सारे टॉपिक्स पे आप अपना वीडियोस देख सकते हैं और फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है जुगल सिंह KV।